जी दोस्तों, क्या हाल चाल, राम राम सभी को। जैसा कि भाई एक दिन अपना कंप्लीट हो गया और बहुत ही बढ़िया गया है, तो आज सवेरे थोड़ा सा डाइट लेके निकला हूँ, मिक्स फ्रूट और ओट्स खा के आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑमलेट में रोज़ रोज़ नहीं खाने वाला है, क्योंकि भाई पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। जब मैं एक के येलो पार्ट खाओगे ना, उससे ज़्यादा निकलते हैं पिंपल्स, तो मैंने एक वाइट कर दिया आज से स्टार्ट। ये भी अपना प्री वर्कआउट ले रहा हूँ और चल के वर्कआउट लगाते हैं। गुरु जी से पूछेंगे क्या लगाना है। वैसे मेरा तो प्लान है शोल्डर लगाने का। शोल्डर गुरु जी, शोल्डर लगाऊँ ना? सोमवार को, मंडे को शोल्डर लगाया था, पीछे वाले स्मिथ मशीन पे। तो भाई पहला वर्कआउट अपना स्टार्ट करते हैं बैक रोड से स्मिथ मशीन पे। इस पर ज़्यादा वेट है भी, उठता नहीं है, और जितना उठ रहा है बस रेपोटेशन थोड़ा सा खींच लेते हैं स्लो करके। खसखस में बड़ा काम आए, खसखस के लिए बड़ा काम आया, बिलिंग घर देख जा। दुकान पे ढूंढते फिर रहा था मैं, इसमें बिलिंग किट मिला, घर मंगवा लिया। छोटे से जादू ले लियो, आईफोन मंगाओ, ये मंगाओ, कुछ भी, सब कुछ। थोड़े दिन चिकन वगैरह सब देते हैं। जनरल स्टोर जीरो हो चुका है, जनरल स्टोर सिंपल खड़े हो गए, बैठ के लो। नेक्स्ट वर्कआउट अपना साइड रेस। ना ना साइड रेस ये वाली नहीं, ये डंबल प्रेस मार। असली मजा तो इसी जिम में आती है, वो वाले नए वाले जिम में तो ऐसा लगता है कि वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ना पसीने आते ना कुछ, एसी इतनी टेम्परेचर पे रखते हैं, पूरा ठंडा करके रखता है। कल तो वहाँ पे कप कपी चढ़ा दी, लेग्स की वर्कआउट लगाया, इतने से पसीना है बस सर पे थोड़े से। कुल मिला के 5-7 बंदे थे, ऐसी पूरी फूल चल रही, मैंने सारे पंखे बंद कर दिए। मैंने कहीं नहीं, कहाँ गया है ना, कल कितना ठंड हो रहा था उस जिम में। अच्छा, मेरा सर पकड़ गया था लास्ट में, सर में दर्द होने लगी थी, मैं चला गया घर। हाँ ये तो है। जिसको देख रहा हूँ वही आयुष्मान, जिसको देख रहा हूँ वही आयुष्मान, पता बहुत ज़्यादा। और उसी की बदौलत थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज हुआ, ना लेता तो काम। आपके पास गया मौसम से जो कहाँ लिया ले। ये लगाऊं गुरु जी फ्रंट? आइटम देख लो आयुर्वेदिक वाली भाई, वो खा तो ले, भूख सी मर गई। ना गैस तो ना बन रही, भूख से गैस से मर गई, गैस तो बन नहीं रहा गुरु जी। हाँ, सो नेक्स्ट वर्कआउट फ्रंट रेज। कैमरा जी फ्रंट फ्रंट मार देना, साइड में मार दी। हाँ ये लग गया, शोल्डर प्रेस पीछे वाले डंबल ही तीन साइड मार दी बस। अच्छा ये आगे लेनी है सर के पीछे। अच्छा ये केबल पे जो लगाया करते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट वर्कआउट अपना ये वाला है, फ्लाई भी बोल सकते हैं इसको, वैसे तो केबल क्रॉस पर लगाई जाती है, पर डंबल के साथ लगाई।
डन गुरु यहाँ से पकड़ो आज वर्कआउट अपना फिनिश किया जाए, लास्ट ही होगा मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, बाकी देखेंगे गुरु जी से पूछ के। रोड फिनिश किया जाए अपना शोल्डर की वर्कआउट, फिर उसके बाद लेंगे डाइट। लग गई वर्कआउट करते करते भूख, और तुम्हारा भाई आज खाने के लिए लेके आया है। तो ये अपराइट है, तकरीबन अब सारे वर्कआउटों का नाम भी पता लग गया है, जिन्हें चुने वर्कआउट है जिसके नाम पता है मुझे। तो आज भाई रूटीन किया जाए अपना, डाइट में अब कोई कमी नहीं आना चाहिए, अब जल्दी गुरुजी से डाइट ले लेंगे, नया डाइट प्लान। राज मालूम चला कि बनाना शेक पीने से मसल साइज नहीं बल्कि फैट बढ़ता है, सिर्फ बॉडी में वाटर इंक्रीज होता है। और मैं सोचता था कि बनाना शेक पीने से थोड़ा बहुत तो मसल आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो बनाना शेक कैंसिल, अब मशीन लाने की नीड ख़त्म। इसमें देख लो, इसमें ले आऊँ मैं कितना अंडे डाल रखे हैं, 6 वाइट। चलो फिनिश किया जाए, फिर चलो आओगा शाम को? हाँ शाम को, ठीक हो गया भाई, निपट गया अपना वर्कआउट बहुत बढ़िया। डाइट में वापस वही वाला शुरू किया हूँ जो मैंने पीछे छोड़ा था, बस ऐसा समझ लो कि साल्ट चालू किया हूँ, कार्ब्स चालू कर दिया हूँ 2-3 आइटम, बाकी अभी नया डाइट प्लान मिल जाएगा फिर करेंगे फॉलो। बढ़िया तो आज दोस्तों थोड़ा सा चावल, घी की सब्जी, और फिर 500 ग्राम चिकन, और ये सलाद अब उधर ही रखा है, बाद में खाएंगे प्री वर्कआउट मील। और ये एक्स्ट्रा चावल आ गया था तो इसलिए निकाल दिया, अगर कम पड़ेगा फिर वापस इसमें डाल के खा जाऊँगा। चलो इसको फिनिश करते हैं, और आज मैं लगाऊंगा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, बाकी गुरु जी से एक बार पूछेंगे कि क्या लगाना है, उसके बाद डिसाइड करके बताऊँगा भाई। कि मैं घर से सोच के आता हूँ कुछ और, यहाँ पर आज के हो जाता है कुछ और। नेक्स्ट वीक मेरे को प्रॉपर पता चल जाएगी कौन से दिन कौन सी वर्कआउट करनी की, इस हफ्ते में गैप भी बहुत ज़्यादा लग चुका है जहाँ तक मुझे पता, छुट्टी भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो सवेरे वाला वर्कआउट शाम को लगा है, शाम वाला वर्कआउट सवेरे, और बीच में मैंने एक बार बाइसेप ट्राइसेप छोड़ ही दिया था। तो चलो सवेरे मॉर्निंग में शोल्डर लगाए हैं, अभी दोबारा शोल्डर तो लगा नहीं सकते, ना ही चेस्ट लगा सकते, क्योंकि गैप देना ज़रूरी है। ठीक है पंकज, बढ़िया तो बंद हो गया। वर्कआउट लगाऊं क्या? हां सर, वही ट्राइसेप्स वगैरह सेम रिपीट कर दूं? अच्छा, अपना पहला वर्कआउट स्टार्ट किया जाओ ट्राइसेप्स का, रिपीट ही करनी सेम वही, लेकिन देखूंगा बीच में अगर दिल किया तो कोई और वर्कआउट ऐड करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्कआउट लाइन प्रेस, नाम एक भाई ने बताया था, और वर्कआउट बड़ी डेंजर है। अरे तो आज दोस्तों नेक्स्ट वर्कआउट रोप पुली, ये हाँ जो भाई नेक्स्ट वर्कआउट हम लगाएंगे रिवर्स रोड के साथ। हाँ भाई तगड़ा वर्कआउट है ये वाला, मस्त अपने रिस्क पे लगाना, लेकिन भाई जो भी मेरे भाई लगाएगा इसको फॉलो करेगा। और ये हम ट्राइसेप्स की आखिरी वर्कआउट लगाएंगे, और यहीं पर अपना ट्राइसेप्स फिनिश हो जाएगा, ये 5वां वर्कआउट है ट्राइसेप्स के। और ये है डंबल के साथ किकबैक, और थोड़ा सा बस सर को ऐसे सपोर्ट दे दो, खड़े हो जाए। तो आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट वर्कआउट
बाइसेप्स की है और पहला वर्कआउट ये ले रहा हूँ मैं डंबल से, डंबल कर्ल। तो बाइसेप्स की दूसरी वर्कआउट मैं लगा रहा हूँ पिक्चर स्टेट रोड के साथ, आ जाओ। और ये मेरा तीसरा सेट है। वेट यार ज़्यादा उठाने का मन ही नहीं करता, पहले स्टार्टिंग में जब जिम ज्वाइन किया था ना तब बहुत ही वेट मार के दिखाने का मन करता था, पर मालूम चल गया ना बॉडी वेट मारने हैवी मारने से नहीं बनती। वर्कआउट लगा लेते हैं हैमर, इसके बाद देखते हैं लगाने का मन किया तो लगाऊंगा। तो अपना भाई वर्कआउट फिनिश हो चुका है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो कि हफ्ते में पहली बार लगा रहा हूँ और एक ही बार लगाया हूँ। रूटीन हो रहा है, खाते हैं फिनिश करके चलते हैं घर, फिर अपना डिनर वगैरह करके करें।